भाजपा जिला महामंत्री सतशील गुप्ता, प्रबंधक जय हिंद शिक्षा निकेतन मर्यादा की बहन। बंधु, मैं ऐसे राजनीतिक दल में कार्य करता हूँ, मैं अपने गर्व महसूस करता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से जिनका प्रण अंत्योदय रहा हो, जिनका लक्ष्य अंत्योदय रहा हो, जिनका पथ अंत्योदय रहा हो, अवधान का अंतिम व्यक्ति जब तक लाभान्वित नहीं होगा तब तक अच्छी सरकार की संकल्पना भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं कर सकती। और मुझे गर्व है कि मोदी योगी अंतिम पावधानिक वृद्धि को लाभान्वित करने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक विद्यालय की बात है, अत्याधुनिक शिक्षा साथ भारतीय संस्कार देने वाला विद्यालय जय हिंद शिक्षा निकेतन प्रति भदोई में संचालित है। हमारे बच्चे संस्कारित हों, हमारे बच्चे शिक्षित हों, राष्ट्र प्रथम राष्ट्रीय के लिए कार्य कर रहे हैं। और मुझे गर्व है अपने बच्चों पे कि विगत कई वर्षों से अच्छे अच्छे प्रतियोगी परीक्षाओं को उन्होंने सफल किया है, सफलता प्राप्त की है और उच्च पदों पर जाके आसीन हुए और निरंतर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। होली का त्यौहार आ गया, हर्षोल्लास का त्यौहार, उमंग का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, एक दूसरे को रंग लगाए, दूसरे को शुभकामनाएं दें, हाथों से अबीर गुलाल लोगों को लगाए। हमेशा हम लोग के पूर्वज भी होली के त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाते रहे और उन्होंने हाथों में रंग लगाया, हाथों से गालों पे रंग लगाया, गाल से गाल पे रंग लगाया, लेकिन कभी विकार नहीं। हमेशा एक अच्छी भावना से जिस तरह से मथुरा में होली खेली जाती है, राधा कृष्ण की होली खेली जाती है, आप जानते हैं हमारा पवित्र ग्रंथ जो है राधा कृष्ण का जो है, आपने गीता देखा होगा, एक समय क्या होता था, भारत 2014 से पहले लोगों को प्रेम रूप में ताजियां भेंट करते थे, लेकिन जब परम श्रद्धे एक भारत श्रेष्ठ भारत के कहने वाले हमारे मोदी जी प्रधान सेवक बने तो उन्होंने गीता को सामने रखा और पवित्र ग्रंथ गीता को रखा और यही हमारा नैतिक मूल्य है, यह कहते हुए उसे भेंट किया। आज पूरा विश्व गीता को एक्सेप्ट करता है, उनका अनुसरण करता है। जिस तरह से मोदी पूरे दुनिया के हर कोने में अपने भौगोलिक स्थिति से ऊपर उठ के लोग बोलते हैं, निश्चित ही भारत आज धार्मिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, हर स्तर पे भारत उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। मुझे गर्व है कि एकदम दहलीज पे खड़ा है विश्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत। हमें पुनः मोदी जी के सपनों को साकार करना है और त्योहार में लोगों को शुभकामना देते हुए मैं कहना चाहता हूँ ये अच्छे से मनाएं।